ओम नमः शिवाय। सौंदर्य लहरी प्रयोग शास्त्र वीडियो श्रृंखला में आज हम सौंदर्य लहरी के दूसरे श्लोक के प्रयोग की चर्चा करेंगे। साधना विधि प्रस्तुत करने से पूर्व मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाए गए हैं। कृपया बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इन साधनाओं को ना करें। शक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, किंतु भक्ति का मार्ग आपके लिए सदा खुला है। आप भगवती पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए इन श्लोकों का जप एवं सुमिरन कर सकते हैं। आपको देवी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आज के वीडियो में हम सौंदर्य लहरी के दूसरे श्लोक के प्रयोग की बात करेंगे। श्लोक आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है। वीडियो में आगे श्लोक का पाठ एवं अर्थ भी दिया जाएगा। इस श्लोक के अनुष्ठान से प्रकृति विजय अर्थात पदार्थ सत्ता के ऊपर प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। जो लोग साधना जगत से जुड़े हैं वे लोग इस गूढ़ संकेत का अर्थ समझ सकते हैं। इस साधना से साधक के अंदर प्रबल आकर्षण शक्ति का भी विकास होता है। मंत्र के प्रयोग के लिए आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए यंत्र को सोने की प्लेट में चंदन से बनाएं। इस मंत्र का अनुष्ठान 55 दिनों का है। रोज आपको सौंदर्य लहरी के दूसरे श्लोक की 10 माला जप करनी है। जप के लिए आप रुद्राक्ष की माला या फिर कमल कट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हैं। जप के दौरान आप घी या तेल का दीपक जलाएं और पूरे जप काल में 55, 56, 57 दिन जब तक भी आपका दशांश हवन पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रोज पूजा कैसे करनी है, शुरुआत से अंत तक किन मंत्रों का पाठ करना है, यह सब जानकारी वीडियो में विस्तार से लिख कर दी गई है। यदि आपकी रुचि है तो आप वीडियो को पूरा पढ़ें। क्योंकि मंत्र बड़ा है कुछ लोगों को पूरे मंत्र की 10 माला जप करने में कठिनाई अनुभव हो सकती है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इस श्लोक के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। श्लोक का बीज मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और इस बीज मंत्र का किस प्रकार से मंत्र जप करना है वह भी विस्तार से दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। किंतु बीज मंत्र का जप आपको तभी करना चाहिए यदि आप पूरे श्लोक का पाठ नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि आप पूरे श्लोक का जप करें। रोज की साधना के अंत में उठने से पहले आप 15 से 30 मिनट तक का ध्यान जरूर करें। ध्यान से ही शक्तियों एवं सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह ध्यान कैसे करना है उसकी जानकारी एक अन्य वीडियो में दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे देखकर ध्यान करना सीख सकते हैं। 55 दिन की साधना पूर्ण होने के बाद आपको दशांश हवन तर्पण और मार्जन करना है। हवन किन सामग्रियों से करना है, कितनी आहुतियां डालनी है आदि यह सब जानकारी वीडियो में लिख कर दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार तर्पण और मार्जन की सामग्री और आहुतियों की गिनती के बारे में भी वीडियो में लिख कर जानकारी दी गई है। आगे श्लोक का उच्चारण और अर्थ दिया जा रहा है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि भगवती की इच्छा रही तो आपके सामने पूर्ण प्रयोग शास्त्र का ज्ञान प्रस्तुत किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। चयति लोकान् विकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संश्रुत्यैनं भजति भसितो धूलनविधिं दल्यां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चः सञ्चिन्वन् चयति लोकान् विकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संश्रुत्यैनं भजति भसितो धूलनविधिं तल्यां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चः सञ्चिन्वन् चयति लोकान् विकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां ह
हर संशुद्ध्यैनं भजति भसितो धूलनविधिं दैयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्च सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संश्रुत्यैनं भजति भसितो धूलनविधिं दैयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्च सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरः संश्रुत्यैनं